नमस्कार, मैं हूं हरेन नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। विश्व धरोहर फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज 1 जून को देश विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आज गुरुवार को खुल गई है। पहले दिन 40 भारतीय मूल के पर्यटक घाटी में सैर के लिए गए। वैली ऑफ फ्लावर के खुलने पर भिंडार घाटी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों को उम्मीद है कि घाटी के खुलने के बाद उनके रोजगार में वृद्धि होगी। आपको बताते चले कि डीएफओ बीबी मार्तोले ने बताया कि 1 जून को घाटी सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। इस वर्ष स्वदेशी पर्यटकों से 150 और विदेशी पर्यटकों से 600 रुपया शुल्क वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 20,547 स्वदेशी एवं 280 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी पहुंचे थे, जिससे वन विभाग को 31,73,400 रुपये की आमद हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा तो उम्मीद से ज़्यादा इस वर्ष भी वन विभाग को पर्यटकों से अच्छी आमद होगी। ने बताया कि पहली के रास्ते 2 जगहों पर भारी ग्लेशियर फंसे हुए हैं, लेकिन वन विभाग ने इन दोनों ही ग्लेशियरों को काट कर रास्ता बना दिया है ताकि पर्यटक आसानी से आ जा सकें। 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैली वैली ऑफ फ्लावर को 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा व 2005 में विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। घाटी में अभी भी मौसम वार 600 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं व यहाँ पर दुर्लभ वन जीव हिम तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, मोनाल पाए जाते हैं, तो वहीं दुर्लभ पुष्प ब्रह्म कमल, फैन कमल, ब्लू पॉपी, मॉरिशियस आदि पाए जाते हैं। बता दें कि इस वर्ष भी भारी बर्फबारी के कारण वैली के कई भागों में भारी ग्लेशियर पसरे हुए हैं। वहीं वन विभाग ने वैली ऑफ फ्लावर की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए अपने 8 सदस्यीय दल स्टाफ भी घांगरिया में तैनात कर दिया है। प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी आप जिस उद्देश्य से यहां पर आए हैं वो आपका उद्देश्य पूरा हो, और इस समय यहां पर करीबन 171 स्पीसीज आपको जून में मिलेंगी, तो उनमें से करीबन 10% भी आप यहां पर आइडेंटिफाई कर पाए तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप इस चीज को अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को भी बताएं इस बारे में कि वैली ऑफ फ्लावर में जो फ्लावरिंग स्पीसीज होती है उसके बारे में। और बाकी हमारे लाइफस्टाइल प्रोग्राम के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि प्लास्टिक और जो ये चीजें हैं ये आप वहाँ पे ना फैलाएं। धन्यवाद।